सब एज फॉर डेल टेक, तो ओप्पो का F9 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे ऑफिशियली आपको अवेलेबल हो जाएगा 15 अगस्त को, और इसकी एड भी आपने कई जगह देख ली होगी। इसका नॉच मुझे बहुत ही पसंद आया है, बाकी नॉचेस के हिसाब से ये वाला स्टाइल जो है और डिज़ाइन जो है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको छोटा सा, जैसे कि आप एक डिवाइस था जो कि जिसके अंदर एक यूज़ करा गया था बट वो इतना चला नहीं, और यहाँ पे उन्होंने कैमरे की जगह ही सिर्फ दी थी, तो ये लुक अच्छी है, मेरे को अच्छा लगा है डिवाइस। और यहाँ पर F9VOOC जो कि उनका फास्ट चार्जर है और बहुत ही फास्ट ज़्यादा चार्जिंग करता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो सबसे जल्दी चार्ज करने वाला डिवाइस जो यही है VOCC है, और वो चाहे वन प्लस का हो डैश चार्ज भी नहीं कर पाता इतना जितना ये कर पाता है, और सबसे बेस्ट भी यही है। तो आपको ये लॉन्च हो जाएगा और अवेलेबिलिटी जो मिल जाएगी आपको 15 अगस्त से। तो यही थी आज की न्यूज़, देख सकते हैं आप इसकी ऑफिशियल लीक्स और ऑफिशियल इमेजेस, आपको कई कलर्स में अवेलेबल होगा, रेड ब्लू और जो शाइनी कलर होगा जिसमें आपको, जैसे आपने ओप्पो फाइंड एक्स में देखा था कि साइड में कलर का लुक आता था और बीच बीच में नहीं आता, इसमें आपको जैसे टिल्ट करते समय आपको कलर्स नज़र आएंगे। बहुत ही अच्छी लुक और डिज़ाइन दिया गया है, तो ले जाए डिज़ाइन और लुक के मामले अच्छा है, बाकी इंडिया में खरीदने लायक नहीं हुआ क्योंकि इतना हाई कर देंगे कि कुछ कहने की बात नहीं। तो यही थे आज के न्यूज़ विद थे आपको वीडियो में, देखते नमस्कार, पीस आउट। सब डेल टेक, तो ओप्पो का F9 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे ऑफिशियली आपको अवेलेबल हो जाएगा 15 अगस्त को, और इसकी एड भी आपने कई जगह देख ली होगी। इसका नॉच मुझे बहुत ही पसंद आया है, बाकी नॉचेस के हिसाब से ये वाला स्टाइल जो है और डिज़ाइन जो है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको छोटा सा, जैसे कि आप एक डिवाइस था जो कि जिसके अंदर एक यूज़ करा गया था बट वो इतना चला नहीं, और यहाँ पे उन्होंने कैमरे की जगह ही सिर्फ दी थी, तो ये लुक अच्छी है, मेरे को अच्छा लगा है डिवाइस। और यहाँ पर F9VOOC जो कि उनका फास्ट चार्जर है और बहुत ही फास्ट ज़्यादा चार्जिंग करता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो सबसे जल्दी चार्ज करने वाला डिवाइस जो यही है VOCC है, और वो चाहे वन प्लस का हो डैश चार्ज भी नहीं कर पाता इतना जितना ये कर पाता है, और सबसे बेस्ट भी यही है। तो आपको ये लॉन्च हो जाएगा और अवेलेबिलिटी जो मिल जाएगी आपको 15 अगस्त से। तो यही थी आज की न्यूज़, देख सकते हैं आप इसकी ऑफिशियल लीक्स और ऑफिशियल इमेजेस, आपको कई कलर्स में अवेलेबल होगा, रेड ब्लू और जो शाइनी कलर होगा जिसमें आपको, जैसे आपने ओप्पो फाइंड एक्स में देखा था कि साइड में कलर का लुक आता था और बीच बीच में नहीं आता, इसमें आपको जैसे टिल्ट करते समय आपको कलर्स नज़र आएंगे। बहुत ही अच्छी लुक और डिज़ाइन दिया गया है, तो ले जाए डिज़ाइन और लुक के मामले अच्छा है, बाकी इंडिया में खरीदने लायक नहीं हुआ क्योंकि इतना हाई कर देंगे कि कुछ कहने की बात नहीं। तो यही थे आज के न्यूज़ विद थे आपको वीडियो में, देखते नमस्कार, रहिए पीस आउट। सब डेल टेक, तो ओप्पो का F9 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे ऑफिशियली आपको अवेलेबल हो जाएगा 15 अगस्त को, और इसकी एड भी आपने कई जगह देख ली होगी। इसका नॉच मुझे बहुत ही पसंद आया है, बाकी नॉचेस के हिसाब से ये वाला स्टाइल जो है और डिज़ाइन जो है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको छोटा सा, जैसे कि आप एक डिवाइस था जो कि जिसके अंदर एक यूज़ करा गया था बट वो इतना चला नहीं, और यहाँ पे उन्होंने कैमरे की जगह ही सिर्फ दी थी, तो ये लुक अच्छी है, मेरे को अच्छा लगा है डिवाइस। और यहाँ पर F9VOOC